कोई मेरे ही गुप्त धन को लूटने की चेष्टा कर रहा है। किसमें है इतना साहस कि वो धनानंद के धन पर कुदृष्टि डाले? मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा। भाई, आपको मेरा ये उपहार पसंद आया या नहीं बताइए। यदि आपको ये नहीं पसंद आया तो मैं इसे उस दास को दे दूंगी। दास? तुम्हारा अभिप्राय उस अंगरक्षक से है? दुर्धरा, राज परिवार के लोग दासों में रुचि नहीं लेते। आपको ऐसा कैसे लगा कि आपकी बहन की रुचि एक दास में होगी? मैं तो ये केवल इस कारण कह रही थी ताकि वो सदैव आपके लिए सज्ज रहे, और जब आप उसका आवाहन करें तो वो इस अश्व पर बैठकर आपके समक्ष आ जाए। प्रसन्नता है मुझे कि मेरी प्यारी बहन को अपने भाई की चिंता है, किंतु बहन, मगध पति धनानंद जब किसी का आवाहन करे तो कोई किसी भी कोने में छिपा हो, उसे यहां उपस्थित होना ही पड़ता है, फिर भले ही उसकी टांगे हो या ना हो। दास को इस अश्व की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए ये अश्व, इसे मैं अपने पास रखता हूं। इस उपहार के लिए तुम्हारा धन्यवाद बहन। मैं प्रसन्न हूं कि आपको मेरा उपहार पसंद आया। मुझे विश्वास है तुम्हारी ही भांति महामात्य ने भी उस दिन उस चोर के साथ हुए उस घटनाक्रम को अवश्य देखा होगा, उस चोर को जिसने मेरे धन पर कुदृष्टि डाली। किंतु फिर भी महामात्य ने ये बात मुझसे छिपाई, क्यों? कौन है वो चोर? मुझे शीघ्र उसे ढूंढना होगा। मैं लूटूंगा गंगा के तल में से धनानंद का वो छिपा धन। आप भी बड़े विचित्र हैं आचार्य, कभी अपनी बुद्धि से हमें हतप्रभ कर देते हैं तो कभी अपने भोलेपन से हमें हंसने पर विवश कर देते हैं। अरे आचार्य, मैं एक साधारण सा मानव हूँ, कोई मछली नहीं हूँ कि गंगा के तल में जा सकता हूँ। धनानंद का यह गुप्त धन लूटने के लिए तुम्हें मछली बनने की आवश्यकता भी नहीं, केवल मछली के कुछ गुण अपनाने की आवश्यकता है। मत भूलो कि जो कार्य धनानंद कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। इसे अपने टखने पर बांध लो और मेरा अनुसरण करो। आचार्य, आप क्या इसे मछली का आहार बनाकर कांटे पर लटकाने वाले हैं? वो तो अभी ज्ञात हो जाएगा। क्या मेरी भांति तुम लोगों को भी यही प्रतीत हो रहा है कि आचार्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? यदि तुम इस नदी के तल तक पहुंचना चाहते हो तो आवश्यक नहीं कि तुम्हारे फेफड़े अत्यंत शक्तिशाली हो। जो अत्यावश्यक है वो है तुम्हारा दृढ़ निश्चयी होना और तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, तुम्हारी हृदय गति और तुम्हारे श्वास पर तुम्हारा नियंत्रण। इन्हें तुम्हें मनचाहे स्तर पर घटाना या बढ़ाना सीखना होगा। और यदि तुम्हारा शरीर साथ देने से मना कर दे चंद्रगुप्त, तो स्मरण करना कि कौन है तुम्हारा शत्रु, धनानंद। अपने शत्रु को सदैव स्मरण रखना कि किस शत्रु के समक्ष खड़े हो। अपने शत्रु की शक्ति का ज्ञान तुम्हें सदैव निरंतर कुशलता और निपुणता की ओर अग्रसर करेगा।
तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां आज तक धनानंद के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच पाया है। अपनी श्वास पर नियंत्रण रख के गंगा के तल तक पहुंचना है तुम्हें, तभी तुम धनानंद के गुप्त धन को लूट पाओगे। चंद्र, चंद्र आओ, तट पर आ जाओ, चंद्र आओ, शीघ्र आओ। नहीं रुको, मुझे जाने दो, वो मर जाएगा, उसे बचाना होगा। आचार्य का आदेश है, चंद्रगुप्त को बचाने कोई नहीं जाएगा। चंद्र, एक घड़ी हो गई है सम्राट को जल में प्रवेश किए हुए। आमात्य, क्या लगता है कि आपको वो? मौन रहो, ये मत भूलो कि वे सम्राट हैं, सदैव के भांति वे अवश्य आएंगे, निसंदेह। चंद्रगुप्त, चंद्र, आपने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया, तुम सबने देखा ना कि कैसे मेरे प्राण लेने का भरसक प्रयास कर रहे थे। मैंने केवल तुम्हारी सहनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया चंद्रगुप्त, क्योंकि यदि तुम्हें धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना है तो यही एक मार्ग है। पता नहीं क्यों आपका दिखा हुए प्रत्येक मार्ग का अंतिम छोर मेरी मृत्यु ही होता है। कभी कभी तो मुझे आपके दिखाए हुए मार्ग पर संदेह होता है। नहीं चलना मुझे आपके दिखाए हुए मार्ग पर। चंद्र, हाँ आचार्य, इस बार कदाचित आपने सीमा से अधिक कर दिया। हाँ, किया मैंने सीमा से अधिक, और मुझे इसका कोई खेद भी नहीं है, क्योंकि यदि चंद्रगुप्त को धनानंद का गुप्त धन लूटना है तो उसे धनानंद से भी उत्तम गोताखोर और तैराक बनना होगा, तभी वो वहां तक पहुंच पाएगा। मगध की जिस पताका को मैं जल में लेकर गया था उसे मैंने गंगा के तल पर गाड़ दिया है। तुम दोनों मगध के उच्चतम तैराक होने का दम भरते हो ना, तो जाओ और वो पताका लेकर आओ।
यदि तुमने ये चुनौती पूर्ण कर दी तो तुम दोनों को विशेष उपाधि के साथ साथ मनचाहा पुरस्कार भी मिलेगा। जाओ। क्षमा करें महामहिम, परंतु ये सब क्यों? इसके पीछे आपका मंतव्य था कि आपका धन सुरक्षित रहे, फिर इन्हें भेजने की आवश्यकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे अपने राज्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? महामात्य, कदाचित इसीलिए आपने मुझे सूचित करना आवश्यक नहीं समझा कि किसी की मलिन दृष्टि मेरे गुप्त धन पर है। कोई है जो इस जानकारी को अर्जित करने के लिए आतुर है? क्या लगा आपको, आप मुझे नहीं बताएंगे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं होगी? मैं जानना चाहता हूं कि मेरा गुप्त धन सुरक्षित है या नहीं, और इसका निर्णय होगा उन गोताखोरों की विजय या पराजय से। क्षमा महामहिम, मेरे मंतव्य पे संदेह ना करें। मेरा मंतव्य केवल यह था कि मैं आपसे बात ना छुपाऊं, बल्कि उस चोर को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। क्षमा करें मुझे। क्षमा, 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 क्षमा का अर्थ समझते हैं आप महामात्य? क्षमा का अर्थ होता है भूल, दोबारा ना करना। यह आपका कार्य है कि राज्य में जो कुछ भी घटित हो उसकी सूचना आप मुझे दें, और ये मेरा कार्य है कि मैं उसे आवश्यक समझूं या नहीं। भूल कर भी ये मत सोचना कि मेरा निशाना चूक गया। आज मेरा लक्ष्य केवल आपको चेतावनी देने का था कि भविष्य में कभी भी मुझसे कोई भेद मत रखना, विशेषकर जब उसका संबंध धनानंद के धन से हो। मगध के सर्वश्रेष्ठ गोताखोर भी आपके गुप्त स्थान तक नहीं पहुंच पाए महामहिम। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका धन सदैव के भांति सुरक्षित है। सुरक्षित? सुरक्षित तो कुछ भी नहीं होता महामात्य। जब मैं ये कार्य कर सकता हूं तो संसार में कोई तो ऐसा जलचर जीव अवश्य होगा जो अपनी श्वास को साध कर गंगा के तट तक पहुंच सकता है। कदाचित कोई तो ऐसा होगा ही। चाहिए था जब एक पुत्र को सूचना मिले कि उसकी मां के साथ अत्याचार हुआ है तो उसे तो उसके पास आना ही होगा ना मां। जब मुझे ज्ञात हुआ कि उस क्रूर ताई मां ने आपको चलते हुए कोयले पर चलने का दंड दिया है तो मेरा मन किया कि उसी चलते हुए कोयले से मैं उसकी चिता सजा दूं। किंतु फिर मैंने सोचा कि पहले अपनी मां के घाव देख लूं ताकि मैं उससे दस गुना अधिक पीड़ा उस ताई मां को दे सकूं।
आपने अब तक इतनी यातनाएं सही है और अब भी सह रही है। और मैं तनिक भी सहनशील नहीं हूं। कदाचित मैं पिपली वन का राजकुमार बनने के योग्य ही नहीं हूं। मैं तो बस लज्जा का विषय हूं। आपके लिए, अपने परिवार के लिए आचार्य चाणक्य के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं मेरी सहायता करने के लिए, और मैं बार बार निरंतर असफल हो रहा हूं, आपको निराश कर रहा हूं। मां, मैं आपकी बात ही दृढ़ और निर्भय नहीं हूं। जिस निर्भय मां को तुम इस समय देख रहे हो, सदा से निर्भय नहीं थी। एक समय था जब मैं ऊंचाई से भयभीत होती थी। क्या? आप कैसे भयभीत हो सकती हैं? विश्वास करो मेरा, मैं थी। तब ये विचार मुझे भी कचोटता था कि एक दुर्बल और भयभीत स्त्री पीपली वन की महारानी बनने के योग्य नहीं, महासाहसी चंद्रवर्धन मौर्य की पत्नी बनने के योग्य नहीं। फिर मेरी गर्भ में तुम आ गए। जब मेरा गर्भ 8 माह का था, तब एक पुजारिन ने मुझे बताया कि पीपली वन के सबसे ऊंची शिखर पर एक जागृत मंदिर है, अगर मैं वहां नंगे पांव चढ़कर पूजा करूं तो मेरी होने वाली संतान के लिए शुभ होगा। इतने ऊंचे मंदिर पर चढ़ने का सोचकर ही मैं तो भयभीत हो गई थी, किंतु फिर भी मैंने वो चढ़ाई चढ़ने का निश्चय ले लिया, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए आशीर्वाद चाहिए था। परंतु वो चढ़ाई मेरी कल्पना से अत्यंत अधिक कठिन और पीड़ादायक निकली। मंदिर के बस कुछ दूरी पहले ही मेरे साहस ने समर्पण दे दिया, मेरे पांव रुक गए, और फिर मेरे गर्भ में पलने वाले मेरे पुत्र, शूरवीर पुत्र, तुमने अपनी माँ को साहस दिया, और फिर तुम्हारे नन्हे नन्हे पैरों ने मुझे लात मार मार कर शिखर तक पहुंचा दिया। तुम्हारे कोमल प्रहार मानो मुझसे ये कह रहे थे कि आगे बढ़ो माँ, भाई से मुक्त होकर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ चंद्र, वो तुम ही थे जिसने मुझे उस कठिन समय पर बल दिया। वो तुम ही थे चंद्र जिसके कारण वो असंभव यात्रा मैं पूर्ण कर पाई, और वो तुम ही हो चंद्र जो आज तक मुझे हर कष्ट को सहने की शक्ति देता। तुम कह रहे हो तुम दुर्बल हो, नहीं चंद्र, पराक्रम और शौर्य तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे भीतर निहित है, तुम्हें उसे पहचानना है चंद्र। अपने धमनियों में बहते हुए रक्त को अपने आंखों में उतारो, अपने व्यक्तित्व में उतारो, अपने आप को प्रोत्साहित करो जैसे तुमने मुझे किया था। समय और माटी में एक समानता होती है,
दोनों को ही मुट्ठी में बंदी बनाने का प्रयास करो तो फिसल जाते हैं, परंतु यदि मुट्ठी में स्वेद हो तो माटी नहीं फिसलती। समय ये माटी है और परिश्रम आपका स्वेद। यदि पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ परिश्रम करोगे तो समय आने पर सफलता आपके हाथ से फिसलेगी नहीं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। गहन समस्या में आचार्य, वो देखिए प्रतीत होता है वो सड़ी हुई मछली मेरे जाल में फंस गई है जिसने इस नदी को दूषित करने का प्रयास किया है।